Delegates, we've spoken a lot today about mainstream and social media, the conflicts between them, and the alliance between them. The next session discusses something similar as we talk about the conflict between mainstream media and social media and its impact on media education. I would request all the delegates to please settle down so we can start with the next discussion. Attendees, please settle down. I would like to call upon stage the panel chair, Mr. Abhishek Mehrotra, Deputy Editor, E4M Group, and Editorial Head, Samachar for Media.com. Mr. Mehrotra. Joining him on stage, we have an eminent list of panelists. Ladies and gentlemen, please welcome the DG of my alma mater, IIMC, Shri K.G. Suresh, onto stage, please. Joining him is Mr. Alok Mehta, former President, Editors Guild of India. Mr. Rajesh Badal, senior journalist and filmmaker. Mr. Rahul Mahajan, Editor-in-Chief, Rajya Sabha TV. Mr. Saeed Ansari, Executive Editor, Aaj Tak. Mr. Dilip Tiwari, Editor Z, UP UK and MPCG. And Dr. Anurag Batra, Chairman and Editor-in-Chief, BW Business World and E4M Group. Audience, can we have a big round of applause for our panelists, please? Thank you. Namaskar. अब एक पैनल हमारा जो मीडिया पैनल है सब हमारे मीडिया स्टार्स हैं यहाँ पर हमारे सबसे वरिष्ठ आरोग मेहता जी हैं आरोग मेहता जी मुझे लगता नहीं किसी पर्चे के मोहताज हैं हम हर चैनल पर उनको देखते हैं ये उनकी खासियत है हमारे पास यहाँ पर केजी सुरेश जी हैं केजी सुरेश जी आज इस कॉन्क्रेव में मीडिया एजुकेशन पर बात करेंगे वो पत्रकार हैं लेकिन हम चाहेंगे कि आज वो एजुकेशन पर बात करें क्योंकि वो आईएमसी को डीजी हैं और रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया और मीडिया एजुकेशन इंडस्ट्री को हमारे साथ राजेश बादल जी हैं राजेश जी फिल्म मेकर हैं और वो मीडिया में अच्छा परिचय अपना है देते हैं वो आजकल एमपी पे के खासियत है और इस चुनावों में हम राजेश जी को हर चैनल पर देख रहे हैं राज्यसभा के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं राजेश बादल जी हमारे साथ राहुल महाजन जी एडिटर इन चीफ है राज्यसभा टीवी के राहुल जी का एक पुराना परिचय ये भी है कि राहुल जी ने जितना बीजेपी को कवर किया मुझे लगता है आज के दौर में बहुत कम उस तरह के पत्रकार हैं जो उतना बीजेपी जानते हैं और जितना वो बीजेपी को जानते हैं उतना ही वो बीजेपी की आलोचना भी करते हैं हमने कई बार देखा है मेरे साथ सईद अंसारी जी हैं सईद अंसारी की एक ही पहचान है कि आज के जब हम सुबह से बात कर रहे थे कि चीख चिल्लाट वाले एंकर तो मैं कुछ ही एंटीरोग एंकर्स को कहता हूँ संजीदा एंकर जिसे जिन्हें लोग जानते हैं मानते हैं और बिना चीख चिल्लाट के उन्होंने अपनी पहचान बनाई है एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ अनुराग बत्रा जी हैं अनुराग जी मूर्ता एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन उनकी एक खासियत है जिससे हम सब प्रभावित हैं कि अनुराग जी को हिंदी से प्रेम है जबकि इस देश में जो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं उनको हिंदी से प्रेम उतना होता नहीं है जितना होना चाहिए तो ये मेरी मैं उनसे गुजारिश करूंगा केजी सुरेश जी से क्योंकि अच्छी बात है सब मीडिया के लोग और टाइम डेडलाइन जानते हैं हम सब पत्रकार हैं तो बाइट्स को जानते हैं तो हमारे पास आज बाइट्स के लिए प्रियंका भदौरिया जी वहां से घंटी उनकी तैयार है तो मेरी कोशिश है कि स्पॉन्सर भी घंटी बजाओ वाला है तो उसको ध्यान रखे थोड़ा सा तो केजी सुरेश जी मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले बात करें मीडिया एजुकेशन पर किस तरह से आज हम मीडिया एजुकेशन को देख रहे हैं कि हमको किस तरह की आप लोग के इंस्टीट्यूट से कैसे स्टूडेंट्स आते हैं और इंडस्ट्री में किस तरह से उनकी हम उपलब्धता पा पा रहे हैं तो आई वेलकम केजी सुरेश गिव अ अप्लॉज हैंड फॉर केजी सुरेश थैंक यू अभिषेक डिस्टिंग्विश्ड friends
dignitaries on and off the dais, all our friends here. So great. First of all, my congratulations and compliments to both Anuragji and Dr. Surbhi Dahiya for making this happen. I mean, we have been having conferences where you will have media persons. We will be having conferences where we have media educators. But this Sangam, you know, that is something rare. And in media schools, we have been doing it. I mean, of late, we had the national seminar on language journalism. We had people from the industry. Alokji was there. And we have all these friends. Rajesh comes, Rahul comes, Saeed comes to our institute. So industry interface is always there. But that industry and media educators come together on a platform organized by a media institution, media organization. You know, that's something unique. Compliments to Anurag Batra and, Dr. Surbhi Dahiya for this great thing. Okay. Now, friends, let me begin on a positive note. I just want to give you, a couple of good news, you know. Now, this is source-based. Now, please don't forget that at the end of the day, I'm a journalist. So now, this is based on sources, okay, but reliable sources. And the report is that, yes, the HRD ministry has issued the letter of intent for IIMC to be a deemed university. And this is breaking here, breaking news, flash, with all the anchors sitting here. Second is that, yes, once again, IIMC has been entrusted with the responsibility of setting up the National Center for Excellence in Animation, Visual Effects, Gaming and Comics in Mumbai. And so IIMC is going to set up Asia's biggest institute of gaming, comics, graphics, new media. So now that again reestablishes our image as India's premier media training institute. We have been entrusted with this responsibility. And that also points to the new area, the new, horizons to which media is going. This institute is being envisaged for the simple reason that annually there are thousands of jobs coming up in these areas, but unfortunately we don't have the manpower. On the one hand, we complain that there is an unemployment problem. But on the other hand, there is an absence of skilled manpower in these areas. So that's why we are setting up this institute to what is you call the deficit in the or the gap in employment and education. Now, today we are here basically to ponder over, deliberate on media education, and that is why some of the biggest names in media and media education have assembled here. I just would like to, because I'm sure that during the whole day, I just landed during the whole day, and now we are going to talk about a lot of issues, and many of these issues, at the cost of repetition, I may be, raising it all over again. But nevertheless, I am concerned for the simple reason that teaching shops are mushrooming all over. Keeping in view the fact that, a large number of students are still attracted to media because of the glamour quotient. It's glamour of being part of media, So you have civil service aspirants, you have a lot of people who want power, that attracts you. And that is being cashed in on by fly-by-the-night operators who will open a shop, teaching shop, and then they will have few cameras and give them some training, and that is spoiling not only industry but also media education as a whole. That is something as media educators we need to be concerned about. We have to insist on some kind of benchmarking and standardization in media education. That's very important. Because we are talking about a lot of things, about content and all that. Yes, they are all important. But then there has to be a benchmarking. Legal education. I mean,
no law degree is recognized unless you are the Bar Council accreditation. Unless the BCI gives you a license, you don't become a lawyer. Unless the Medical Council gives you a license, you don't become a doctor. But here, any Tom, Dick and Harry can open up a teaching shop, and there is no standardized curricula. UGC has for a couple of courses, master's programs. But beyond that, we don't have. We cannot emerge as a discipline unless we have standardization. I mean, even today, in Delhi University, journalism courses are being run by the Hindi and English departments, not by journalism departments. Why is it that happening? I think we need to ponder over this. We have to talk to the higher-ups. We have to talk to UGC. We have to talk to the HRD ministry. These are issues which we need to raise. That why we are not being recognized as a discipline. So, for the first time, now I'm not taking credit for that, but yes, I'm now part of the ICSSR Research Council. For the first time, the Indian Council of Social Science Research, over the last 2 years, we are now giving ICSSR scholarships for research in media education also, in media also. Because till now, all these years, this was not recognized as a field of social science. So I would urge all of you, including the industry, you see, we belong to the generation which did not require a degree in journalism or a diploma in journalism. We became journalists just like that. Then subsequently we acquired degrees or diploma out of choice. But today, the specialization has become so important that you need to go to a finishing school. Even though your writing may be good, many other aspects of being a journalist would be certainly good, but whether it's television, whether it is so new media, you need to have some training. That's important. So first of all, that's my question, because there is a paucity of time. I'll just quickly go through some of the points that I feel are important for us to deliberate on this. Second is the training of trainers. I'm sorry to say that, particularly maybe in Delhi, some good schools are there, media schools, maybe one in, say, in Chennai, one in Bangalore, in Pune. But if you look at the standards of teaching in many of the state-level universities and even central universities, they're not up to the mark. So what is important is that there need a training, very important, I mean, aspect we have to highlight, flag, the training of trainers. TOT is very important. That's why at IIMC last year we set up the National Media Faculty Development Center. The whole idea is to train teachers from across the country and the world on how we can improve media education. That is something, again, we have to really talk about, how to improve the skills of teachers in at the Mofussil level, at the state level, how we can do it. The third aspect, I believe, is that more and more people are now reading, listening and watching media in their respective languages. Language media is growing like anything. How are we catering to that as media educators? In the last 2.5 years, we have upgraded the Urdu program at IIMC to a full-fledged diploma program. I've started Marathi journalism from my Amravati Maharashtra campus. I've started Malayalam journalism from the Kerala campus. What is the whole idea? The whole idea is that for this growing language media industry, you need trained, skilled manpower. So that's why we are working on this direction, so that they also get the kind of manpower that earlier was confined to only English and to some extent Hindi. So this language media needs to be taken care of. As media educators, we need to talk about. The fourth important issue, I believe, is that the great paucity of publications
Indian publications on media. Today, a lot of us are writing, some for API scores, and some coming up with really quality. So what we need are quality journals and quality books. I mean, we are taking, why I am repeatedly talking about IIMC, not to tom-tom about IIMC, but because when we speak, one should speak with some credibility, you know. I am only talking about things which I have done. We have revived our publications division. Our journals are back with a bang. And our publication division, I am happy to inform you, is again back with a bang. Our first book is back on the, you know, shelves. We need to encourage people from the industry, people from the education, media education sector, to write quality books which can match the best in the world. Even today, if you look at the bibliography or the suggested textbooks, 90% are Western, not Indian. And Indian journalism has evolved in a totally different way. So we cannot be teaching them the basic parameters or the benchmarks of Western media. We have to teach them about Indian media. And for that, you need good Indian textbooks. And that is something that I believe we as media educators should ourselves write and encourage others to write. One more thing before I conclude is that, because many eminent people are here, you know, I think that this is regarding recruitments. Media is one area where we need to have, and I would request UGC, and I think all of us should request UGC, because many of us in the media education are people who have come from the industry. And I would request UGC to, with regard to media education, they should have flexible norms with regard to recruitment of people from the industry as assistant, associate, and professors. That is very important. Because they come with a rich experience. That also has to be taken into account, because this is an industry where, as I always say, media education. Education in media is incomplete without media, and media is incomplete without education. So it's you know, it's a very complementary term. So I think that this aspect should also be taken into account. And last but not the least, you know, I think that, you know, when we talk about content, what is important is convergence. Now you cannot segregate, isolate print journalism, electronic media, digital media. I think that we need journalists who are, you know, total media persons, who can work equally at ease with print, electronic, and digital. We have to prepare such journalists. Those days of only preparing a print journalist, today, even in print media, if you look at the statistics, I mean, today, a whopping majority of Indians go to website to watch videos. And today, thanks to this mobile phone, everybody has the potential to be a journalist. Big channels are using mobile phones. So let's train our media persons, you know, as per the requirement. Let us train them in terms of electronic, print, digital. Let's not keep them segregated. They have to have holistic, you know, training. That's very important. And I would suggest once again that, you know, this is the beginning of a great collaboration. And I'm sure that these deliberations would not be just confined to, you know, coming together to release a book. That is the starter, Dr. Surbhi's directory. But then let this directory inauguration give us some kind of a direction also. I'm sure, you know, we will all succeed in that. Thank you very much for being patient. Thank you. Shukriya KG sir.
मीडिया एजुकेशन की कुछ कड़वी सच्चाइयों से भी आपने हमें रूबरू कराया. सुबह से हम काफी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे. अब हम अपने पैनल डिस्कशन पे आते हैं. आरोग्य जी, आपसे सीधा सवाल है, चूंकि आप सबसे अनुभवी हैं हमारे इस पैनल में. क्या सोशल मीडिया वास्तव में पत्रकारिता है या सिर्फ ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है? धन्यवाद अभिषेक. मेरा ख्याल है कि मैं कतई ऐसा नहीं मानूंगा कि कोई चैलेंज है. तो पहली बात तो अनुराग जी को बधाई देना चाहिए कि देखिए उन्होंने लैंग्वेज में, जैसा आपने कहा, कि सोशल मीडिया के लिए इनकरेज करने में भी, डिजिटल मीडिया को बढ़ाने में, एक्सचेंज फॉर मीडिया के जरिए और दूसरे हर फोरम पर उसको बढ़ाया है. इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं. मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ये एक दूसरे के सप्लीमेंट करते हैं. हमेशा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमें, जो अभी जो सुरेश जी बात कर रहे थे, पहले लोग कहते थे अरे टीवी आएगा तो प्रिंट का क्या होगा, प्रिंट टीवी आ गया उन्हें वीडियो आया जब उन्हें कहा सिनेमा हॉल का क्या होगा, या वीडियो आ गया उसके बाद क्या होगा. टेलीविज़न आने के बाद भी, चैनल्स आने के बाद लगा कि नहीं इसके बाद अब ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया आने के बाद क्या उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा. मेरा ऐसा मानना है कि एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन हाँ चैलेंज है. और अभी जैसे हमारे इसके पहले के सेशन में भी कहा था कि साहब इस तरह की गलत खबरें आ जाती हैं, फेक न्यूज़ आ जाती है सोशल मीडिया. लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तो 88-91 में पटना में भी संपादक रहा, तो उस समय भी ऐसे अखबार निकलते थे वहाँ पर, बिहार में नहीं, देश के कई हिस्सों में ऐसे अखबार निकलते थे जो अपना निकाल करके कुछ भी गैर जिम्मेदाराना ढंग से छाप देते थे. उस पर उस समय डिफेमेशन उतना नहीं होता था. वो संपादकों के खिलाफ भी छाप दें, मंत्री के बारे में छाप दें, किसी के बारे में, समाज सेवी के बारे में छाप दें, कुछ सही होता है सर. ये ठीक है, एक रीजनल अखबार या लैंग्वेज प्रेस को हम लोग खुद मानते हैं कि छोटे अखबार होना चाहिए. हम लोग सब छोटे कस्बों से आकर के दिल्ली पहुंचे हैं. तो इसलिए सोशल मीडिया उसको उस तरह से कि देखिए गलत होता है, इसलिए ये ठीक है कि मैं भी कई बार उससे डरता हूं कि भाई देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, लोग कहेंगे आपने तो बोला नहीं, देखिए ये तो ऐसा आया था, ये नेता के बारे में ऐसा आया था, आप तो उस बात को कहते नहीं हैं, आपका अखबार छापता नहीं. आज भी आपने देखा होगा कई लोगों ने कहा उस खबर को वैसा नहीं छापा गया. अब सोशल मीडिया पर प्रमोट करके थोड़ा सा उसको, लेकिन धीरे धीरे लोग डाइजेस्ट करके समझ जाते हैं, जैसे चाहे वो पेड न्यूज़ हो फेक न्यूज़ हो, कि नहीं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है. इतने चैनल आने के बाद, इतना यूट्यूब पर होने के बाद भी लोग समझते हैं आपका बायस क्या है, इफ़ यू आर बायस. और मीडिया एजुकेशन जैसे मैं, चूंकि ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं मिलना है, इसलिए मैं सोचता हूँ आपने बात शुरू की है तो मैं कहूँगा ज़रूर, एक प्रॉब्लम हमेशा, चूँकि आप सब बड़े इतने दिग्गज यहाँ पर हैं, मीडिया इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए, हुआ यह है कि सोशल मीडिया और फेसबुक या इसके जरिए जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं IMC से भी बहुत वर्षों से कई बार वहाँ पहले भी जाता रहा, उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी रहा, तो मुझे अब क्या लगता है कि उनका जो जनरल नॉलेज, पुराना जो बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका अभाव. उनको लगता है कि हम इसमें डिजिटल में डालेंगे गूगल में और देखेंगे कि अच्छा सुरेश जी कब कहाँ थे. मेरा कहना है कि उनके बारे में, संपादकों के बारे में, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के बारे में, उनको कैसे बैकग्राउंड अच्छा हो, नेताओं के बारे में भी, वो क्या कहेंगे. बस कई बार सुरेश जी ने भी कई कुछ बच्चों को मेरे पास भेजा तो लगता था कि उनको लगता है हम फेसबुक पे काम कर लेंगे, हम इस पर काम कर लेंगे. उनको ये नहीं लगता कि अच्छा हम, या हम सीधे पॉलिटिकल जर्नलिज्म करेंगे. सो आई थिंक द सोशल मीडिया का एक क्या हुआ है कि उन्होंने उसको एक जरिया ये मान लिया है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसी को हमें दूसरे को पास करना है. वो अपना कितना न्यूज जनरेट कर सकते हैं उसमें मीडिया के इस, जो कि सबमिट इस तरह की है कि मीडिया एजुकेशन में यदि आप ये ध्यान दें कि उनको अपना पढ़ने के लिए, अभी जैसा जिक्र किया गया किताबें नहीं हैं, लेकिन आप उनको पढ़ने के लिए भी कहेंगे, यदि मैंने पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा 20 साल पहले लिखी तो लोग अभी कहते वही, उसके बाद की कोई किताब और आई है तो ध्यान नहीं दिया गया. कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर के भी ये ठीक है, गवर्नमेंट भी सोच चाहिए. हम लोग खुद राइटर्स गिल्ड में भी कई बार होता है कि भाई बड़ा मुश्किल है. हम एक तरफ ये चाहते हैं कि सरकार अंकुश न लगाए, लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना चीज़ें आती हैं, चाहे वो प्रिंट में आए, टीवी में आए, किसी सोशल मीडिया में आए, यूट्यूब पर भी आए, तो उससे एक आप यदि नफरत पैदा कर दें, यदि बड़ा खतरा है. आप आश्चर्य मतलब ये कहेंगे कि महात्मा गांधी ने 1928-29 में लिख दिया था कि भाई भरोसा मत करो, कई बार ये अखबार गलत करता है, जबकि फ्रीडम तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. आप आश्चर्य कहें RTI को लेकर के, आप यदि नेहरू जी के भाषण का यदि कहीं संकलन पढ़ेंगे, मेरे पास भी रखा हुआ है, उसमें सूचना के अधिकार को लेकर के पूरा एक उनका है, मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन पूरा चूंकि भाषण उसमें पूरा जो सारे अंश है उसमें उन्होंने कई चीज़ों का विरोध किया कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का कहीं मिसयूज हो सकता है, ऐसा ना हो कि इसका खतरा भी है. मतलब उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसके खतरे हैं. तो वही सोशल मीडिया, नेहरू भी, हमने जबकि RTI की सबने लड़ाई लड़ी है, अब चाहते हैं कि हो, तो
तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो नई जनरेशन आ रही है उसको यदि हम बैलेंस करके उनके बारे में बताएं कि नहीं, आप तुरंत राजदीप सरदेसाई और बरखादत बनने का मत सोचिए, आप उसके लिए बहुत ही नीचे से आपको पहले गली, हमारे पास भी जब लोग आते हैं तो वो क्या कहते थे अखबारों में, साहब मैं ऐसा है कि मैं अफ्रीका पर लिख दूँ, ये ठीक है, हमारे राजेंद्र माथुर जैसे एडिटर थे उस जमाने में जब अखबार में इंदौर में भी कुछ साधन नहीं थे तो वो अफ्रीका पर बहुत अच्छा लिखते थे, चाहे वो लेकिन तब तक वो काफ़ी फिर भी आगे थे, चाहे वो एडिटर फुल एडिटर भी नहीं बने थे, असिस्टेंट एडिटर थे, कॉलम लिखते थे, लेकिन तब भी उसकी जानकारी थी। आज विस्फोट होने के बाद जानकारियों का मुझे क्या लगता है कि उससे कहा जाए कि नहीं चांदनी चौक की गलियों के बारे में पहले लिखो, कुछ नाले के नली के बारे में लिखो, गंदा पानी थी उन जगह पर है, पेड़ पौधों के बारे में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये आवश्यकता हमारे जो यंग जनरेशन आ रहा है, एजुकेटर यदि उस जैसा आपने कहा ऐसे कोर्सेज भी यदि हैं तो उनमें कैसा इंटीग्रेशन ऐसा हो कि उनको कहा जाए कि नहीं आप इसमें पहले परफेक्ट होइए कि आपका इन्फॉर्मेशन जो पहले कितना आपका नॉलेज है आप उसको जनरल नॉलेज कहिए, या मैं तो आप बता रहा हूँ आपको आज भी आप कहीं देखेंगे जो कहीं जॉब के लिए लोग ढूंढते हैं तो उनसे आप कहें कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है, जर्नलिज्म का प्रेस काउंसिल ने क्या निकाला, एडिटर्स गिल्ड ने क्या निकाला, उनको नहीं पता होता, बल्कि जर्नलिस्टों को भी नहीं पता होता कहीं तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया वो एक दूसरे के लिए फ़ायदा करने वाला है, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई बार उसको फॉलोअप किया जाता है, और एक ईमानदारी मीडिया के लोगों को ये भी सिखाइए कि यदि आपने कहीं अभिषेक ने कुछ अच्छा लिखा है, सईद भाई ने लिखा है, किसी और राहुल महाजन ने अच्छी स्टोरी चलाई है तो उसको क्रेडिट दे दें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने सब मीडिया में काम किया है, आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि भाई देखो क्रेडिट देना, दूसरों की यदि कहेंगे कि सुरेश जी ने अच्छा काम किया है तो उससे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बेहतर यह है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये रही है कि हम वो क्रेडिट नहीं देना चाहते। ये उस जब प्रिंट में भी ऐसे पत्रकार होते थे जो सोचते थे पीटीआई से कॉपी उठाई और सीधा छाप देते। मैं जिन अखबारों में संपादक रहा सबसे पहले मैंने डेस्क उससे वो हटवा दिया कि माथुर साहब भी जब हमारे संपादक थे कि बाद में कि इनको एजेंसी की रिपोर्ट दी ना जाए ताकि वो एजेंसी की कॉपी को एजेंसी को ही क्रेडिट मिले। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि उनको ईमानदारी से मीडिया में काम करने के लिए, चाहे वो पीआर का काम कर रहे हों, क्रेडिट दे दें कि इस सबमिट में हम आए थे। अभी आर्किटेक्ट को लेकर के प्रोग्राम हुआ पाइनियर में, मैं नहीं चूंकि मुँह कहा था तो उन्हें कहा इतना छोड़ा, लेकिन यदि थोड़ा जिक्र उसका ठीक से आए ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में भी तो क्यों नहीं सब लोग उसको क्रेडिट देकर उस कॉन्फ्रेंस को उसके बारे में जो जानते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके मीडिया एजुकेशन एक तरह से मिशन है, और ये जो यहाँ पर जैसा कहा गया संगम तो है ही, मैं तो मानता हूँ कि ये बिल्कुल समुद्र मंथन भी है, अमृत भी निकलेगा, हमारे समाज में हम लोग गलतियाँ करते रहे आगे भी होगा, लेकिन मैं अनुराग जी से यही कहूँगा कि इसको और आगे इसको कंटिन्यूस जैसा उनके अवार्ड्स के उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड के 50 प्रोग्राम्स हैं, इसको भी एक एनुअल फीचर बना दें, और ज़रूरत हो तो रायपुर में करें, कभी हैदराबाद में करें, कभी कलकत्ता में करें, तो इससे और भी ज़्यादा इंटीग्रेशन में बहुत सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आरोप सर। जैसा आपने बताया कि ये एक मंथन भी है और मंथन से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है, और मैं मानता हूँ अनुराग जी हर मंथन के बाद 15-20 दिन बहुत सारा विष लेते हैं, बहुत से लोग इनसे नाराज होते हैं, इन बात के बाद हमेशा हम लोग विष लेते हैं, अमृत चूंकि आवाज चले जाते हैं विष हमारे लिए रह जाता है। मैं राजेश सर से बात करूंगा। राजेश सर आप सुबह से थे, आप एजुकेशन की बात सुन रहे थे, तो आपसे मेरा सीधा सवाल है कि सोशल मीडिया का मीडिया एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? आज जब नए बच्चे आते हैं जैसे आरोग्य साहब कहते हैं हम तो फेसबुक पर लिखते हैं, तो फेसबुक पर लिखना और मीडिया एजुकेशन की तरह आप जर्नलिस्ट बनना उसमें क्या फर्क है? धन्यवाद अभिषेक। सोशल मीडिया पे आना और वो जो टेलीविजन का जो पर्दा है उस पर्दे से अलग जो काम है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां तो बढ़ाता है, हमारी चुनौतियां बढ़ी है। ठीक है, हम सुबह के सत्र से अब तक हमने बहुत सारी समस्याओं पे बात की है कि हमारे जो बहुत सारे कोर्सेज हैं वो पुराने पड़ गए हैं, उनको नया नहीं किया गया है। करीब करीब 20 यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उनका जो पाठ्यक्रम की अगर पुनर्रचना करनी है, दोबारा बनाना है, तो कितना कठिन काम है। ये मैंने खुद महसूस किया है कि कई कई साल के बाद भी वो पाठ्यक्रम बदले नहीं जाते हैं। तो पत्रकारिता में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया तो एक ऐसा अवतार, एक ऐसा टूल्स आया है हमारे पास जिसके लिए तो कोई पत्रकार होना आवश्यक है ही नहीं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप देखते हैं, आप किसी भी तरीके से बगैर क्रॉस चेक किए अगर आप उसको अपने उस टूल पर अभिव्यक्त कर देंगे
तो वो सोशल मीडिया में एक सेकंड के अंदर वायरल हो जाता है। इसीलिए सवार के डिबेटिंग हमेशा रहता है। बिल्कुल, इसीलिए ये एक ऐसा हथियार है जो कहीं पे वरदान बन जाता है, कहीं पे अभिशाप बन जाता है। राजेश सर शुक्रिया, मैं आपको दोबारा आऊंगा। शहीद भाई, राजेश सर ने बताया एक ऐसा हथियार है, तो मैं बता दूं शहीद अंसारी मुझे लगता है अकेले ऐसे हिंदी एंकर है जो हथियार से दूर रहते हैं। शहीद भाई ना व्हाट्सएप पे हैं, ना वो फेसबुक पे हैं, ना ट्विटर पर हैं। तो शहीद भाई, जहां एंकर्स की लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया बड़ा मायने रखता, हर एंकर आजकल बताता है कि मेरे इतने लाइक्स हैं, मेरे इतने रिट्वीट्स हैं, उस दौर में आप एंटी सोशल कैसे हैं? नहीं नहीं, एंटी सोशल मीडिया कह रहा हूं मैं। एंटी सोशल मीडिया, आप व्हाट्सएप पे नहीं है, आप ट्विटर पे नहीं है, आप फेसबुक पे नहीं है। नहीं, जरूरी क्यों है होना? जरूरी क्यों है? यहाँ एंकर्स अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हैं या जर्नलिज्म करने के लिए हैं, पत्रकारिता करने के लिए हैं, लोगों की खबरें दिखाने के लिए? आज हमारे साथ समस्या यही है, सोनिया भी यहाँ पर हैं और भी लोग हैं, राहुल भाई हैं, सभी हैं, राजेश भाई, आलोक जी, सभी ने एंकरिंग भी की है और भी लोग यहाँ हैं। आज की हमारी जनरेशन और हमारे साथियों की परेशानी ये हो गई है कि वो किसी भी खबर को या किसी भी डिस्कशन के मुद्दे को अगर चुनते हैं तो वो सोशल मीडिया से चुनते हैं। वो फेसबुक से उसे देखकर टीवी पर चर्चा के लिए चुनते हैं शाम को और उस पर चर्चा करते हैं। वो इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें लगता है यही सबसे बड़ी कमी है और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी, आलोक सर ने भी कहा, केजी सर ने भी कहा कि क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी बात है। आप व्हाट्सएप अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक आप अपने दोस्तों के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक को आप जर्नलिज्म के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप उससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं? आप किसी के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमारे देश के 130 करोड़ जो लोग हैं, जो जनता है, वो उससे इन्फ्लुएंस होगी या वो उसका प्रतिनिधित्व करती है? अभिषेक जी, अहम मुद्दा उठाया आपने, जो आपने बताया जिस तरह सोशल मीडिया न्यूज मेकर बन रही है, तो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसे न्यूज मेकर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, और नहीं, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और हमारी गलती यह है कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं। क्रेडिबिलिटी क्या है? मान लीजिए एक कुछ ट्रेंड कर रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो जेन्युइनली ट्रेंड करता है? अगर ट्विटर पर कोई ट्रेंड कर रहा है तो वो जेन्युइनली करता है क्या? अगर फेसबुक पर किसी के लाखों लाइक्स आ रहे हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो ऐसा है जो लाखों और करोड़ों व्यूज दे रहा है, तो क्या वो जेन्युइन लोग हैं? क्या वो इंदौर या बड़वाह में बैठा हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के किसी गांव कस्बे का वो व्यक्ति है जो उसे फॉलो कर रहा है या उसे उस वीडियो को देख रहा है? क्या अभिषेक जी, क्या आप ये नहीं मानते कि आजकल बहुत बड़े बड़े इस तरह के मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हैं, जो चला रहे हैं, जो फंड करते हैं, और वो ऑफिसेस जितने भी हैं, वो सिर्फ उनका काम ये है कि उन्हें लाइक करना, उन्हें प्रमोट करना, उनके वीडियोस को आगे वायरल करना? क्या ये नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा है तो प्लीज बंद कीजिए। सईद भाई, आपने इशारों में बहुत बड़ी बात कही। आपने बताया किस तरह से आज पेड ट्रोल्स और पेड लाइक्स चल रहे हैं, जिसके प्रभावित होकर कभी कभी हम न्यूज मेकर बन जाते हैं, किस तरह से हम गलती करते हैं। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल महाजन जी, आरएस टीवी का प्लेटफॉर्म एक बेहद संजीदा प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया जो उसको हम एक बार बहुत बार फन टूर की तरफ देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह आरएस टीवी का संजीदा प्लेटफॉर्म का इंपैक्ट आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है, सोशल मीडिया पर लोग किस तरह से संजीदा चीज़ों को भी दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा टीवी का सवाल है, हम सोशल मीडिया पर खासतौर से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये कहने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जहाँ टीवी का हम जो व्यूअरशिप है वो मानते हैं कि 25 प्लस लोग जो है वो टीवी न्यूज़ को देखते हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग, और बहुत सारे, ये मैं अगर इसको एक नंबर दे सकूँ तो लगभग 26 करोड़ हिट्स हैं हमारे उस पर,
और जो हमें जो लोग देखते हैं वो बिलो 25 है, वो सारे लोग जो कि पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा संजीदा तरीके से देखते हैं। लेकिन बात सोशल मीडिया की और मेन स्ट्रीम मीडिया की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम डरते बहुत हैं। हम इस बात से डरने लगे हैं कि एक हमने कोई स्टोरी चलाई, उसको लेकर कोई क्या कहेगा, किस तरह से क्रिटिसिज्म करेगा, वो ये बोल देगा कि ये जो संपादक है इन्हें तो कुछ आता नहीं है, वो ये बोल देगा कि आपने गलत चलाया है, इन बातों से हम डरने लगे हैं। राहुल भाई, आपके लिए एक सवाल भी अभी दर्शकों की ओर से आया है, क्योंकि आपका चैनल शायद टीआरपी की लड़ाई उतनी नहीं लड़ता है, तो किस तरह से आपका चैनल टीआरपी को देखता है ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हम टीआरपी की तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि हम बात पे हैं नहीं, जो एक इकलौता इस वक्त मेयर है उसको हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम इश्यूज़ को ज़रूर देखते हैं, किस तरह के इश्यूज़ हम उठाना चाहते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। ये अपने 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 सबके अलग व्यूज़ होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम पत्रकारिता में भी जो है उसमें एक जो बदलाव आया है वो ये भी है कि हम अपने व्यूज़ जो हैं लोगों पर देने लगे हैं। शुक्रिया राहुल भाई, इन्फॉर्मेशन नहीं सिर्फ। मैं अभी दोबारा फिर आपके पास आता हूँ। अनुराग जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप चूंकि बिजनेस वर्ल्ड और एक्सचेंज फॉर मीडिया दो मीडिया संस्थान चलाते हैं, तो एक्सचेंज फॉर मीडिया नवल जी चलाते हैं, ठीक है, मैं बिजनेस वर्ल्ड चलाता हूं। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़े रहते हैं, तो आप मीडिया इंस्टीट्यूट की किस तरह की भूमिका देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं उसमें आप किस तरह का उनका मूल्यांकन कर रहे हैं? मैं यू नो आई मे साउंड वेरी कॉन्ट्रेरियन, मेरी हिंदी सुदृढ़ है लेकिन माय नेचुरल लैंग्वेज एक्सप्रेशन इज इंग्लिश। मेरी मदर बोलती है झूठ बोलो तो लाइट चली जाती है, पता नहीं किसने बोला पैनल पे, बट मे बी मैं बोल रहा हूँ। पहली बात, मैंने मॉर्निंग में सोनिया थैंक यू फॉर कमिंग, आई नो यू वेरी बिजी एंड यूर हेयर एंड आई होप सो, आई एम नॉट दैट बिजी, आई कैन टेल यू दैट, बट आई वॉन्ट टेल यू वन, आई एम अ फेल्ड मीडिया एजुकेशनिस्ट। I started a media school with my friend Sajal Da. He started it and he got me in, and then I got Atul ji in, Atul Maheshwari, who, and he was in heaven now. When he died, we shut it down. We were just sad, you know. We didn't have that courage after that. So I understand a little bit of media education, you know. When you fail at something, you actually understand it better than when you succeed at something. So that's one. I want to say something, and I hope all the vice chancellors and the teachers, the best journalists that come out are not from journalism schools. I want to, Dr. Roy, did he go to a journalism school? Did Mr. Puri go to a journalism school? Did he go to a journalism school? Alok ji, aap gaye the journalism school? So have I made my point? Yeah. I can give you 25, 30 names, okay? See, I think it's about, I told you the incident, I was hiring this girl yesterday and asked who's the vice president of India. She didn't know. I'll tell you, when I was 8 years old, I knew Chaudhary Charan Singh Ji ki constituency Bagpat hai. Kyunki mere pitaji morning mein doodh lene jaate the. Jab wo aate the, he would do a quiz with me. I would go and buy vegetables and fruits with him, and kharbooje ko sunke wo bolte the, ye Bagpat se hai. Right? You know? So, you know, it may sound very funny to you, but by the age of 11, I knew the constituency of every major politician. I'm a quizzer. So I have this quizzing brain. I remember everything that I can, even what my wife tells me, I used to forget that earlier. So one, it is about domain expertise, it's about knowledge. We have to attract better quality of students to media schools for the right reasons. I don't know how it can be done, but it, you know, there are role models in media, there are enough role models in media. So that second, media schools have to become technology schools. You know, I sound a little, and I hope I can take my company in the next 2 years, both Exchange for Media and Business World, in that direction. We have to become video. NDTV, I mean, I'd say it and I'd get in trouble, but I think there's something seriously wrong with our rating. I mean, they get much more traffic on their digital. If they're getting that, how come they're not getting that on TV? Right? So in future, everything is going to get consumed on this. We are all screenagers. We may not be teenagers, but we are screenagers. So I think we have to, KG Suresh ji made a very relevant point of retooling the trainers. Retraining, apne retooling keh raha hu. So I don't think we know what to do. We have to start doing it. And I said one thing at the start of the day, if we want to build great journalists, we have to have a class in spine building. I'm not talking about physiotherapy class. Okay. Let me clarify.
I think that comes from the kind of person you are, why you are in journalism, who do you work for. It's not about money. Today you can have a blog and do great journalism. You don't have to work for a company. You do great content, honest content. Problem is, we've either gone to the left or the right. Even the Me Too movement became about who's on the left, who's on the right. And it took away from the seriousness of that issue. Right? And we know which are the sides which are on which side and which are on which sides. Now, however, if you're always criticizing, there's something the government also does well. I mean, I'm not going to talk about GST demonetization, but I can say with confidence that ICBC, the Insolvency and Bankruptcy Code, is such a game changer. It is making sure that the employment stays, the going concerns stay, the large creditors get their money back. The small creditors are still not getting, but I think that's the next step. How many of you have hailed ICBC? There's everything wrong with the government, but we must at the same time call a spade a spade. The demonetization didn't work out as it should have. GST implementation could have been better. These are real facts. Now, point is, I don't know who said we shouldn't be famous, but we all want to be famous. Otherwise, we wouldn't be at media seminars. It's a human nature. Film star ban jaiye na, Anurag ji. Hai? क्या मॉडलिंग कीजिए बनिए नहीं मैं अब मैं कुछ बुरा बोल दूंगा एक टाइम पे आज तक मॉडलिंग एजेंसीज के थ्रू हायर करता था सो लेट्स नॉट टॉक ऑफ मॉडलिंग एजेंसीज ओके सो यू नो सच बात है कि आप यहां दो तो बैठे हुए हैं मेरे साथ में आज तक वाले नहीं, आप पता करिए आप पता करिए अपनी ये नहीं आए लेकिन कई बहुत जूनियर उन लोगों नहीं आप पता करिएगा जाइए पुराने एचआर से पूछेगा तो पॉइंट इज आई एम विद यू आई एम नॉट दीपक चौरसिया मॉडलिंग एजेंसी से थे आशुतोष मॉडलिंग मुश्किल है लेकिन बहुत ये वाले नहीं है थोड़े और है आप थोड़ा और भाई बहुत सारे बताइए आप बैठे हैं तो बताइए सईद भाई मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मॉडलिंग एजेंसी से आया नहीं मैं तो मॉडल हुई हूं मेरी बीवी कहती है मैं मॉडल सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट आई एम नॉट अ मॉडल सो दैट बट गुड टू रीड पॉइंट दैट्स द लास्ट पॉइंट आई विल मेक इज अगेन केजी सुरेश जी इन हिज फर्स्ट थिंग ही टॉक्ड अबाउट इट यू नो Media is, he talked about launching an animation school, I think for the first time when we started our vision, we shut it down and Rubika is from our school, just to give you a context, our vision was to create a holistic and we've not given up on that vision. I want to set up a media university. When? 2 years, 5 years, 10 years, that wo Ishwar ko malum hai, wo mujhko nahi malum hai. Mera koi apne baal loose karne ka plan nahi tha, wo ho gaye. Theek hai? So I would say that, I said it and start this media schools conclave, media educators of India has become a journalism media school. I think when you talk of media today, there's a lot happening which is beyond news. And I'm not talking, so we have to recognize that and build schools that are holistic. That's what, and it will happen. But we have to attract better quality of students to media schools for the right reason. If the most brightest people go to IIT, IIMs, XYZ, then and, I'm not looking down anyone. Anyone who's coming to IMC is also very bright. I'm sure they are. And to all other. But generally, not necessarily the most bright guys come from media schools. And because they know domains, they are in the journalism for the right reason. So I think it will happen. Technology will make it happen. And I agree with KG Suresh ji that there has to be there's a Press Council of India, there's a Press Trust of India, but we know they're toothless tigers. Right? They are toothless. Alok ji, I'm not talking about editors' guild, where they are. Okay? But point is, we have to look at the positives of what exists. We can't be cynical. The fact is, there are so many people in all the organizations that is represented aaj tak. Wo journalism school se aaye aur unhone achha kaam kiya. Avinash ji was my first media school director I met like 17, 18 years back. I can tell you that media, he was a journalist before that, he used to be a sports journalist. So the institution, KG Suresh ji was a political journalist for a long time. Now if journalism schools are headed by ex-journalists, it's a good sign. Definitely. That's the last thing I want to say and over to Dilip Tiwari ji, aapse mera seedha sawal ye hai, kyunki aap MP Chhattisgarh aur UP Uttarakhand regional channel ji ka samaha de hain, to social media ka jo sabse bada ek hum ड्रॉबैक देखने में होता है फेक न्यूज और रीजनल कंटेंट में फेक न्यूज बहुत ज्यादा है तो किस तरह आप रीजनल चैनल में फेक न्यूज की चुनौती से निपटते हैं इससे हमें अवगत कराइए थैंक यू अभिषेक सबसे पहली चुनौती जो अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी लोगों ने डिस्कस भी किया होगा कि इलेक्शन के दौरान जो अभी एक सवाल उठाया गया कि हम सोशल मीडिया से ड्रिवन एजेंडा उठा लेते हैं
और हम उनके प्रेशर में आ जाते हैं। कमलनाथ के बयान आपने देखे होंगे, दो दिनों में चर्चा का मुद्दा रहे। इसके अलावा कई चैनल्स हैं, चाहे वो हमारा जी मीडिया हो, जी एमपीसीजी चैनल में दोनों जगह सर्वे हमारे नाम पे किए गए, जबकि हमने सर्वे नहीं किया। फेक सर्वे, तो दिन भर हम सफाई देते रहे कि हमने सर्वे नहीं किया। तो ये सोशल मीडिया की एक दूसरी ताकत जिसको बाकी लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक सर्वे जो है बीजेपी के फेवर में था, दूसरा सर्वे कांग्रेस के फेवर में था। दोनों ने कांग्रेस ने जाके शिकायत की इलेक्शन कमीशन से कि ये फेक सर्वे आ रहा है, और उसमें हम पार्टी नहीं है लेकिन हमको सफाई देनी पड़ेगी कि साहब हमने सर्वे नहीं किया है। दूसरी तरफ जहां पर जिस पार्टी के फेवर में सर्वे, वो खुश हैं, वो कहते हैं जनता ऐसा ही सोचती है। तो नेचुरली आपको सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट्स तो है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट हमको देखने को मिलते हैं बीच बीच में, लेकिन हमारे लिए चिंता का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिस संस्थान के लिए काम करते हैं, तो हमको एक अपना एक सिस्टम मैकेनिज्म मजबूत करना पड़ेगा। और क्रेडिबिलिटी आपकी होती है, क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया में संकट आएगा, बीच बीच में लोग अपनी बातें रखते हैं, और हर जैसे कहा गया जिसके पास स्मार्टफोन है वो स्मार्ट जर्नलिस्ट हो गया, वो कुछ भी लिखेगा वो खुद ओन करेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हम सोशल मीडिया से डरेंगे या सोशल मीडिया को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आपके जर्नलिस्ट, जैसे आप मोजो की बात कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैमरामैन की नौकरी खतरे में है, केवल हम मोजो में जाएंगे, तो आपको ये देखना है कि जो जर्नलिस्ट आपका स्ट्रिंगर है, जिसको आपने छोटे से छोटे कस्बे में बैठा के रखा हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, तो वही सोशल मीडिया उसके लिए एक वेपन बन जाता है, एक अस्त्र बन जाता है, और वो आपके काम आएगा। लेकिन हमको जो एथिक्स की बात जो आलोक जी ने की, एथिक्स की बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम उनको किस सिस्टम से सिखा रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं, वो ना तो किसी मीडिया स्कूल में गए हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी से आए हैं, बल्कि वो फील्ड में ट्रेंड हुए हैं। और एक राजेश जी, आपने एक आर्टिकल लिखा था कि किस तरह से रीजनल मीडिया बहुत छोटी छोटी खबरों को दिखाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि ये मतलब बाजार की खबरें हैं और भीड़ से आ रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेशनल मीडिया में रीजनल के लिए जगह बिल्कुल नहीं है, रीजनल कंटेंट गायब हो चुका है। नेशनल मीडिया में मुझे लगता है कि जब बहुत सनसनी होगी, बहुत बड़ी खबरें होंगी, या बहुत ऐसी खबर होगी जिसका आपके लिए इंपॉर्टेंस है, तब आप रीजनल मीडिया के या रीजनल खबर की तरफ झांकोगे। तो आपको मैं बता दूं कि रीजनल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की आवाज बन रहा है, और हमको इसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया दिलीप भाई। मेरी प्रोड्यूसर प्रियंका भदौरिया लगातार मुझे मैसेज कर रही है, लेकिन प्रियंका मैं 10 मिनट और लूंगा, मुझे 10 मिनट दे दो प्लीज। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है जो हम लोग ने मंथन किया, तो सिर्फ मैं एक एक सुझाव जाता हूं, क्योंकि मीडिया स्टूडेंट्स बहुत देर से बैठे हैं, उनके यहां से भी मेरे पास उनके ग्रुप के पे व्हाट्सएप है कि सर हमारे लिए अभी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मैं एक एक एडवाइस सबसे चाहता हूं जो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए हो, के जी सर मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि उनको एक एडवाइस दीजिए जिसको वो फॉलो करके एक अच्छे पत्रकार बन पाए। मैं हमेशा एक ही एडवाइस देता रहा हूं आपके लिए, वो जो मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, वो विद्या बालन ने डायलॉग मारा था एंटरटेनमेंट 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 डर्टी पिक्चर में। वैसे ही रीड रीड रीड, वंडरफुल एडवाइस। आप चाहे डिजिटल मीडिया में पढ़िए, आप प्रिंट पढ़िए, आप प्लीज जितना पढ़ सकते हैं, एंड प्लीज सब पढ़िए, ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन ऑफ थॉट पे आप पढ़िए, आप सब कुछ जितना पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट विल कम हैंडी टू यू सूनर और लेटर। सो प्लीज रीड एज मच एज पॉसिबल। आलोक सर, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर आवर मीडिया स्टूडेंट्स? देखिए, मैं हमेशा यदि कहीं मीडिया स्कूल जाता हूँ वहाँ भी कहता हूँ, और बल्कि यहाँ तो प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, मैं कहूँगा कि जब भी आप बच्चों को, जब स्टूडेंट्स को लें अपने यहाँ, तो कहें कि कितने घंटे आप बिता सकते हैं। यदि आप जर्नलिस्ट बनना है, वैसे जिसको कहते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे तो हम भी समझते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन क्या वो 18 घंटे? खाली ये नहीं सोचिए कि मोदी जी 18 घंटे जाग सकते हैं, आप लोग भी जाग सकते हैं। तो बेहतर है कि वन शुड प्रिपेयर कि मैं 24 नींद में भी थी, मुझे कुछ दिखना चाहिए कि ये खबर। हाँ, आप पहले उनको बताइए, इफ़ यू गो वांट टू गो पीआर एजेंसी, मास कम्युनिकेशन भी चूंकि मीडिया में पढ़ाया जाता है, कि आप उस तरह के काम में जाना चाहते हैं, तो आप फिर उस तरह से सोच लीजिए कि उतने घंटे काम करना है। लेकिन जर्नलिस्ट बनना है तो आप सोचिए कि 18 घंटे आपको दिन रात उसी में डूबे रहना है। लाइक डॉक्टर्स सुबह 7 बजे ऑपरेशन करने जाते हैं, रात को 10 बजे तक राउंड लगाने के बाद घर पहुंचता है। बहुत ऐसे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं। तो मीडिया में मेरा तो यही आग्रह है कि आप सबसे कहें और उन्हीं को आने दें जो सच में उतना काम करना चाहिए। राजेश सर, आपका क्या सुझाव है?
देखिए, मेरा कहना तो यह है कि हम लोग जिस फील्ड में हैं उसमें प्रतिष्ठा बनाने में, साख बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन गंवाने में एक मिनट नहीं लगता है। एक सूचना जो आप देते हैं, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है, अगर वो गलत साबित हो गई तो आप कहाँ कहाँ सफाई देते फिरेंगे। अखबार में तो एक बार आप खंडन अगले दिन छाप लेंगे, लेकिन टेलीविजन का जो दर्शक 11 बजे आपके सामने बैठा हुआ है वो 2 बजे दो दिन में नहीं बैठा हुआ है। तो जो गलत जानकारी अगर आपकी चली गई है या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, उसका वो एक मिनट में आपकी प्रतिष्ठा सारी मिट्टी में मिला देते हैं। बता रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कोई भी जानकारी मिले क्रॉस चेक जरूर करें, हर सूचना पर शक करना सीखें, और तभी उसके बाद मुझे लगता है कि ये एक उसका मंत्र है। सईद भाई, क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट से आप? केजी सर, आलोक सर की बात, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मुझसे मैं पॉलिटिक्स ही करूंगा। आपको स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, साइंस, मारूफ बैठे हैं यहाँ पर, डिफेंस, सब कुछ पता होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आ सकता है। प्रोफेसर्स, टीचर्स, एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। फिर से केजी सर की बात कि आपको क्वालिटी टीचर्स देना बहुत 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 ज़रूरी है। और तीसरी बात फिर से आप लोगों के लिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चेंज हो रही है डे बाई डे, हर रोज़ कुछ कुछ नया आ रहा है। तो अगर आप नहीं बदलेंगे, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को डिग्री ज़रूर दे देंगे लेकिन उन्हें इस लायक नहीं बना पाएंगे कि वो इंडस्ट्री में जाकर जॉब हासिल कर पाएंगे। बहुत अहम बात आपने कही कि डिग्री ही सिर्फ सब कुछ नहीं है और चीज़ें करनी होगी उसके बाद आगे बता। राहुल महाजन जी, आप चूंकि तमाम बार यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हैं, मैं देख रहा था आपको, तो वहाँ आपका क्या आपका स्टूडेंट से कहना है? देखिए, मैं मीडिया स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी एक हिमाचल यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, और मेरी एक टीचर अभी यहाँ पे बैठी हैं, वीरबारा अग्रवाल। तो जब मैंने पढ़ाई की थी तो हमें कोई टीवी नहीं सिखाया जाता था, हमें प्रिंट सिखाया जाता था, उसमें भी ये सिखाया जाता था कैसे अखबार छापते हैं। तो मैं उस दौर से हूँ जब टीवी एकदम शुरू हुआ था, प्राइवेट, मैं दूरदर्शन उससे पहले था प्राइवेट उसमें, तो जो सीखा है वो वहाँ पर ही सीखा है। तो मैंने भी टेक्नोलॉजी को, जो नई टेक्नोलॉजी थी उसे अडेप्ट किया है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब सोशल मीडिया अगर एक इन थिंग है, या फिर उस पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको एक फीडबैक देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसको अपने हिसाब से यूज़ करना हर स्टूडेंट को सीखना होगा अगर उसे जर्नलिज्म में आगे इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। शुक्रिया राहुल भाई। मैं तीन चीज़ें बात, यू नो, पढ़ना, हार्ड वर्क करना, आई थिंक दैट मोस्ट, बट आई से फर्स्ट इज डोंट जस्ट बी इन मीडिया फॉर बीइंग एन एंकर, देयर इज अ लॉट टू मीडिया देन बीइंग एन एंकर। आई एम नॉट सेइंग डोंट बी एन एंकर, इफ यू गुड एंड यूर्स, तो एक तो ये, सेकेंड थिंग इज meet balanced people. Meet people like Alok ji. You know, I'm sure everybody is also balanced, but I have seen him in our juries. He doesn't get swayed. I'm not right. And third, maybe a little controversial. I don't know how journalists will. I had to stay away from controversy. You know, I run away. If somebody wants to fight with me, I kind of run away. Right? There is this, because we're talking of social media. Almost all journalists have their social media platforms. They're on YouTube, they're on Twitter, they're on Facebook, now they're on Insta. I think, it depends on their organization, I cannot comment for their but I think if they're working for a company, then it's their I run an organization, so maybe I'm biased, but I'm very journalist, I'm very content oriented, I understand how journalists work, and I'm one of them in some ways, right? So, but that content and that platform should be used for the organization. Or if you're not, then go on your own and build something that is good. That's what I'd say, you know, because social media is only a distribution platform. Content, you're, now I know some journalists create fresh content for the social media so that their companies can't. But in my view, there is a very thin line between that. I think that content should belong to organization. And I'm saying I have a bias because I own a company. Thank you, sir. Dilip Tiwari ji, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है सब्र। जिस पत्रकारिता के पेशे में आप आना चाहते हैं, जो अभी अनुराग जी ने कहा कि सभी एंकर बनने के लिए नहीं आते हैं, आप कुछ लोगों को पर्दे पर देखते हैं, चाहे वो एंकर हों चाहे वो रिपोर्टर हों, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो असलियत में
वो उस पर्दे के महारथी वही हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा पैसे के पीछे मत भागिए, और एक टैग जरूर लगा कर रखिए जब मीडिया में आते हैं, आई एम नॉट फॉर सेल। टैग 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 तो आप लगा सकते हैं कभी भी। तो अक्सर ये होता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे मीडिया में एक सड़ांध है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि किसी का टूजी में आएगा, किसी का नीरा राडिया में नाम आएगा, और किसी का किसी भी नाम आएगा। और मैंने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने कहा, सर आप मुझे बीपीएल जर्नलिस्ट लगते हैं। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपका किसी लिस्ट में नाम नहीं है, ना नीरा राडिया में, ना 2G में, ना 3G में। दिलीप भाई, इसका मतलब पूरा पैनल बीपीएल पैनल हो गया है यहां का। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में किसी डायरी में, किसी लिस्ट में, किसी टेप में आपका नाम ना हो तो आप सबसे खुशकिस्मत होंगे। और मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट को यह तय कर लेना चाहिए कि वो पेशे में किस लिए आया है, वो इस तरह की गतिविधियों के लिए आया है या जर्नलिज्म के लिए आया है। तो ये आप जब भी मीडिया स्कूल्स में पढ़ाते हैं, मेरी गुजारिश है, मुझे भी किसी ने पढ़ाया है, मुझे यहाँ पढ़ा के भेजा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको पहले चीज़ ये बताइए कि आप वहाँ पैसा बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एक काम करने जा रहे हैं जो पेशा आपको बहुत नाम भी देगा, बहुत इज्जत भी देगा और शोहरत भी देगा। बड़े बड़े चेहरे आपके सामने हो जिनको देखकर आप आते हैं, अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि क्यों आना चाहिए, किसी ना किसी को तो देखकर आप किसी जगह पर जाते हैं, चाहे खिलाड़ी हो चाहे बाकी फील्ड हो। तो हमको भी इस फील्ड में अच्छे जर्नलिस्ट को देखना चाहिए, जिनको नहीं देख पाते उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ के इंतजार करना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत छोटे समय तक रुकते हैं, साल भर, छह महीने, दो साल, लंबी पारी खेलिए, लंबी रेस के घोड़े बनिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया दिलीप। प्रोफेसर स्टीफन क्विन इज हियर फ्रॉम, सो वी वुड लाइक टू वेलकम यू डॉक्टर क्विन, ही इज कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर द, एंड आई एम श्योर वी विल हियर यू इन अ व्हाइल एंड वी विल लर्न फ्रॉम व्हाट यू हैव टू शेयर। शुक्रिया। तो मुझे लगता है कार्तिक, हमने समय के साथ अपना पैनल पूरा किया, और मुझे लगता है आज के दिन का पहला पैनल जो अपनी डेडलाइन के साथ पूरा हुआ, तो प्रियंका आपकी घंटी यहाँ खूब काम आई है। थैंक यू पैनलिस्ट, थैंक यू अभिषेक। आई रिक्वेस्ट ऑल आवर डेलीगेट्स टू स्टे ऑन स्टेज प्लीज। आई लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर सुरभि दया, को कन्वीनर ऑफ टुडेज समिट, टू काइंडली कम ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट ऑल आवर पैनलिस्ट विद अ टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन। डॉक्टर दया। Can we have a round of applause, please, ladies and gentlemen? Thank you to all the panelists. Thank you, Dr. Daya.